माता पिता पीड़ित हो, परेशान हो, उसका सारा कर्म व्यर्थ है महाराज, निरर्थक है, क्योंकि वेद श्रुति भी यही कहती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। सबसे पहले किसी को श्रेष्ठ बताया गया है ना, तो वो माँ है। माँ संसार में सबका विकल्प हो सकता है प्यारे, पर माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। एक माँ का ही दिल तो है इस दुनिया में प्यारे, वरना यहाँ कौन मुफ्त में दुआ देता है, वरना यहाँ कौन मुफ्त में दुआ देता है। माँ कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। किसी संत ने कहा, माँ तो अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए विद्यालय नहीं, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालयों का भी विश्वविद्यालय हुआ करती है। जब तुम्हें चलना नहीं आया, तुम्हें चलने सिखाया, तुम्हें जब बोलना नहीं आता था, तुम्हें बोलना सिखाया, स्वयं पीछे मुहे चल करके अभिनय की और तुम्हें सीधा चलना सिखाया, कहाँ शौच अशौच करना है, कैसे कहाँ रहना है, सब कुछ तुमको सिखाया। और बड़े हो जाने के बाद तुम्हारे उस कृत्य से, तुम्हारे उस करतूत से उस माँ को वृद्धाश्रम में जाना पड़े, इससे बड़ा जघन्य पाप और कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड के ऐसे कोई देवता नहीं जैसे पापात्माओं को पाप से मुक्ति दिला सके, उसे क्षमा कर सके। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, मेरे प्रति कोई अपराध बन जाए, माफी मांग लोगे, मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है क्षमा करना। पर भगवान कहते हैं, भूल करके भी माता पिता के प्रति, संतों के प्रति, मेरे भक्तों के प्रति कभी तुमसे कोई अपराध नहीं होना चाहिए।